अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाबी कल्चर एंड हेरिटेज एंड खालसा राज फुट स्टेप्स इन पाकिस्तान। खालसा राज फुट स्टेप्स नूं लेके अज मैं पहुंचा हाँ खुखरैणा के वड्डे टाउन दे विच, जिहदा नाम सी जसड़, जिथे कि बहुत हैवी कम्यूनिटी रहिंदी सी खत्रियां दी। कम्यूनिटी तो मैं उस फुट स्टेप नूं लभण वास्ते मैं पहुंचा वहां अज जसड़ कि जसड़ दे ए ओ बाजार ने जिथे कभी बड़ी ही रौनक हुंदी हुंदी सी। और पाकिस्तान हेरिटेज क्लब की टीम पहुंची, मिर्जा साहब, अहमद हसन साहब, मकसूद अहमद और मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, असं इकट्ठे कर रहे हैं क्लब क्लब्स इकट्ठे कर रहे हैं कि इस तो पहले कि हिस्ट्री डिमोलिश हो जाए, इस तो पहले कि हिस्ट्री खत्म हो जाए, मैं थानू लैके पहुँच रहा वहाँ पाकिस्तान के पिंड पिंड गली गली के जिथे बिखरिया होया है खालसा राज का वड्डे तो वड्डा और छोटे तो छोटा हिस्सा। वो तुसी लभना चाहो तो शायद बहुत मुश्किल होएगा, सिर्फ उन्हां लोगों नूं ही लभ सकता है जिहड़े लोग के इस जगह दे नेटिव ने। मेरे पिछे आ है वड्डी खुखरैणा दी हट्टी। मेरे एक वीर जिहड़े सन, उन्होंने मैनूं अक्सर पुछिया, कहिंदे ने कि पाकिस्तान दे विच जिहड़े पुराने हैरीटेज वालियां साइट्स ने अक्सर उन्होंने उत्ते ताले लगे ने पुराने, शायद मेरा ख्याल है कि इन्हों उस तरीके नाल कोई भी दोबारा आबाद करने वाला जिहड़ा सी वो नहीं आ सकिया, इस वास्ते इन्हों जगह में लोग शायद आबाद भी ना कर सके। और ये उस तरह का बाजार जिस तरह कभी भरिया भुरिया बाजार हुंदा सी खुखरैणा का, वो नज़र नहीं आता हूँ। तुसीं देखो तो इस तरह लग रहा कि जिस तरह एक पिंड होवे, लेकिन जसड़ नूं एक शहर का दर्जा हासिल सी और लागे लागे दे 60 पिंडां दा मरकज सी और इत्थे खत्री कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सी, जिस करके इस शहर दे विच एक ही टाइप दे घट्टो घट्ट 5 मंदिर पाए जाते सन। एक धर्मशाल सी, धर्मशाल जिहड़ी आ अलोप हो गई है और उस तो बाद जिहड़ा है यह बने हुए जिहड़े मंदिर ने वो अज भी बाकी ने, आखिरी समां लै रहे ने। और इस जगह उत्ते जिन्ने भी खत्री पंथ के लोग सन, वो मैनू यह नहीं समझ आती है, क्योंकि शायद कुछ लोग इस सुन के भी हैरान होंगे कि साढ़े बड़े जिहड़े सन वो कन्वर्टिड सन इहदे तो, लेकिन मैनू यह ब्रह्मा वाला कॉन्सैप्ट जिहड़ा अज तक समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ इस इलाके दे विच जिहड़े खत्री सन वो क्यों खाली उन्होंने ब्रह्मा दीआं मूर्तियां नूं क्यों बना रखा सी मंदिरां दे उत्ते, और क्यों खाली जिहड़े ने आर्कीटेक्चर दे विच जिहड़ा तुहानूं सिर्फ ब्रह्मा दीआं मूर्तियां ही नज़र आंदियां ने, उन्हां दे तीन सिर नज़र आंदे ने, उन्हां दे हत्थ दे विच कितें चार नज़र आंदे ने, कितें तीन नज़र आंदे ने। इस चीज़ दे मतलब मैं नहीं कुछ भी क्लीयर नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ जरूर कहांगा कि इत्थे खुखरैणा दे बहुत ज़्यादा जिहड़े गहरे फुटस्टेप्स ने, अगर देखा जाए तो समय के नाल नाल अलोप होंगे जा रहे हैं, अलोप होंगे जा रहे हैं। देखो सामने देखो जी, देखो तो कुछ ना कुछ हले बाकी है, लेकिन जेडे टॉप क्राउन्स ने जेडे रावलपिंडी दे, मैं 22 टेंपल्स दिखा चुकिया वा उन्होंने विच, तुसी देखो तो इत्थे दे टेंपल्स विच तुहानू जमीन आसमान का फर्क नज़र आएगा। कुछ अच्छी हालत विच टेंपल सन ते सन खतरा देंदे सन, लेकिन फिर कहांगा मैं कि ब्रह्मा दीआं मूर्तियां मैनू हले तक नहीं समझ आ रहा कि खुखरैणा विच ब्रह्मा दा कॉन्सैप्ट नहीं सी, लेकिन इत्थे दे जिहड़े खुखरैण सन या खत्री सन जिहड़े जिन्हां दीआं गुरतां सन, उन्होंने यह सारा कुछ बनाया, लेकिन एक ही डिज़ाइन एक ही स्टाइल उही सारा जिहड़ा आई थिंक इट्स कॉल अ बंगला स्टाइल, बंगला स्टाइल त्रिमूर्ति स्टाइल और अंदर तीन गरबागिरी। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी और देखते रहो खालसा राज फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, शाम दे टल्ले साए जाण वाली संगत दे नाम।